नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और विस्तार के साथ ही मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले लखन देवांगन जी हमारे साथ हैं। लखन जी, आप मंत्री बने हैं, क्या पहला प्रतिक्रिया होगी आप? सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे संगठन के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि इस लायक समझा एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को पार्षद से लेकर महापौर से ले विधायक, विधायक से संसदीय सचिव, फिर मंत्री का दायित्व तो सौंपा है। तो निश्चित तौर पर मुझे जो दायित्व तो सौंपा गया है उसका निष्ठा के साथ में मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमेशा हमारा फोकस रहेगा। सरकार की जो योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जल कल्याणकारी योजना, उस योजनाओं को धरातल में एक व्यक्ति को लाभ मिले इसके लिए फोकस रहेगा। और हमारे मोदी गारंटी के नाम से हम लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस एकक बिंदु पर अमल हो इसके लिए पूरा फोकस होगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस काम को प्रारंभ भी कर दिया है। चाहे आवास हो, धान हो, ये सारी काम प्रारंभ भी हो चुका है। तो निश्चित तौर पर जो भी घोषणाएं हैं उस घोषणा को हम लोग शत प्रतिशत पूरा करेंगे। देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल में नए और पुराने का कॉम्बिनेशन है, नए भी काफी 5 लोगों को बना दिया गया, कैसे लगता है कि उन लोग नए लोगों को थोड़ा समय लगेगा काम करने में? देखिए, कोई समय नहीं लगता, जो पद मिलता है तो सब लोग सीख जाते हैं तुरंत, कुर्सी में बैठने में सबका कल आ जाता है। और पुराने लोग भी हैं हमारे संगठन में, इतने वरिष्ठ नेतागण हैं, कोई समझ नहीं आ रहेगा तो हम लोग उनसे मार्गदर्शन लेके अच्छा काम करेंगे। क्या आपकी पसंद है, आप अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए क्या विभाग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? देखिए, मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी मांगा नहीं हूँ, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अभी भी मैं मांग नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी विभाग देगा उस विभाग में अच्छा से हम काम करेंगे। लखन जी, कोरबा लोकसभा अभी है नहीं बीजेपी के पास, वहाँ से आप मंत्री बन के आएंगे, क्या लग रहा है कैसे रहेगा, कैसे चैलेंजिंग है? देखिए, कोरबा लोकसभा से 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है और निश्चित तौर पर कोरबा लोकसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में विजय हासिल करेगी। तो पहला चैलेंज लखन देवांगन के सामने यही है कि वो कोरबा लोकसभा बीजेपी को जिता कर लाएं, और इसीलिए उन्होंने नए और पुराने के कॉम्बिनेशन को काफी बेहतर बताते हुए इस बात का भरोसा जताया है कि कोरबा लोकसभा को बीजेपी के झोली में डालना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।